हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेसेसिटी। नेसेसिटी ऑफ व्हाट? तो नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने पढ़ा है, मतलब मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और वहां पे बताया था कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब एक सवाल पूछा था। तो उस सवाल का जवाब आपको यहां पे भी मिल जाएगा कि व्हाट आर दी necessity of having political parties, why political parties are necessary, so all sort of questions which can be associated with need of the political parties will be answered over here. Is that clear? चीजें समझ में आई आपको? अब देखिए, अगर हम मैं आपसे यही सवाल पूछूं तो आप बोलेंगे सर कैसी बात करते हो, मतलब you will be like क्या है, ठीक है, हमने जो भी पढ़ा, जो भी पिछले फंक्शंस हम पढ़ के आए तो उन्हीं सभी फंक्शंस के कारण, because political parties perform all those functions discussed before, we need political parties, ठीक है? तो why do we need political parties में हम वो functions भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, क्वेश्चन अलग अलग तरह से बन सकता है, क्वेश्चन बहुरूपिया होता है, ये चीज आप इस चीज की गांठ बांध दो। क्वेश्चन ऐसा आ गया, what are the features of political parties, what are the functions of political parties, अगर खुशकिस्मत हो तो सीधा क्वेश्चन आएगा, या तो उसे ट्विस्ट करके पूछ दिया जाएगा व्हाट आर द रोल्स प्लेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, तब वो फंक्शन वाली चीज लिखना है। अब नीड, नेसेसिटी, व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी, इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको यहां से डील करना है चीजों को, ठीक है, समझ में आया? तो एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नेसेसरी है, क्यों, क्योंकि वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है जो अभी हमने डिस्कस किए। लेकिन एक सवाल यहां पे और आता है, क्या सवाल आता है, चलो वो सारे फंक्शंस अगर कोई और परफॉर्म कर दे तो काम चल जाएगा ना, फिर क्यों पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, ठीक है? तो सवाल यहां पे ये बनता है कि व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहां पे क्या है, एग्जिस्टेंस पे बात आ गई है कि अगर डेमोक्रेसी आपको चलाना है तो पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए ही चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी नेसेसरी, व्हाई, ठीक है? तो व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ गया तो भी आपको ध्यान रखना है, नेसेसिटी वाले पॉइंट्स जाएंगे उसमें, ठीक है? तो ये कहानी आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कौन सा वीडियो लेक्चर आने वाला, कब लाइव सेशन है, कब क्या है, ठीक है, कब स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास क्या होता है, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पे कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है, जिसमें हम वन टू वन इंटरैक्ट कर पाते हैं, ठीक है, बहुत सारे और भी फीचर्स है, जैसे स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं और उसी के साथ साथ क्विज होते हैं, लीडर बोर्ड पे आप अपनी पोजीशंस देख सकते हैं, तो इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड यूज द कोड दिगराज, ठीक है, और ये सारे फीचर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्लियर हुआ? अब अगर हम यहां आते हैं तो यहां देखो क्या है, यहां पे वही वाला सवाल है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज क्या एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, तो जी हाँ, मॉडर्न डेमोक्रेसीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टीज के बिना। इमेजिन अ सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, मान लीजिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो स्थिति क्या होगी, ठीक है, तो सिचुएशन किस तरह से होगी, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी कि एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन, ठीक है, विल बी इंडिपेंडेंट, हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है। आज जैसे हम क्या देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है, राजस्थान में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तमिलनाडु में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, आसाम में जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो रहती है वो अपना कैंडिडेट उतारती है, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी ध्यान से ना, मतलब एक कह सकते हैं एक इलेक्टोरल एरिया, तो एक इलेक्टोरल एरिया से क्या होगा कि बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, तो इस तरह से क्या होता है कि पूरे नेशन में आप जिस देखेंगे तो एक क्या होता है, अलाइनमेंट होता है सारे कैंडिडेट्स के बीच में, कोई पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू अलाइन, मतलब कोई बीजेपी के थ्रू अलाइंड है, कोई कांग्रेस के थ्रू अलाइंड है, ठीक है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है तो जस्ट इमेजिन वाली जो सिचुएशन है, ठीक है, वो जस्ट इमेजिन वाली सिचुएशन लेके चलना कि एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। अब जब हर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा कि सब अलग अलग भागेंगे अपनी अपनी दिशा में, ठीक है, नो वन विल बी एबल टू मेक प्रोमिसेस टू पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। कोई भी मेजर पॉलिसी चेंज का प्रॉमिस नहीं कर सकता है फिर, क्यों, क्योंकि चलो मैं चुनाव लड़ रहा हूं लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो बिलोंग नहीं करता हूं, तो मैं अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, मेरी पहुंच कहां तक रह जाएगी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक रह जाएगी। कोई बड़े लेवल पर डिसीजन लाना होगा, अगर पूरे देश में डिसीजन लाना होगा तो जरूर थोड़ी ना कि जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी एग्री करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, कोई भी मेजर पॉलिसी चेंज नहीं आ सकता है देश में। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड, सरकारें बन सकती हैं, लेकिन सरकारें जो बनेगी तो वो बहुत अनसर्टेन रहेगी। अनसर्टेन कैसी रहेगी,
कि अब मान लीजिए कि सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने एग्री करके एक इंसान को डिसाइड कर ले कि चलो इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, लेकिन कल को क्या हो रहा कि सब इंडिपेंडेंट है, उसने बोलते कि आज मेरा मूड नहीं है तो आज तुम प्राइम मिनिस्टर मत बनो, मैं अपना सपोर्ट हटा रहा हूं, सपोर्ट हटाया धड़ाधड़ धड़ाधड़ सरकारें गिरेगी, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी बहुत रहेगी जब सब इंडिपेंडेंट रहेंगे तो, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जब एक पॉलिटिकल पार्टी रहती है तो सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है, सब बंधे हुए रहते हैं, सब कसे हुए रहते हैं, सब अलाइंड रहते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। वो कहानी रहती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली, ठीक है। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी, सब इंडिपेंडेंट है, कोई मेजर पॉलिसी चेंज की बात करेगा नहीं, सरकारें अनसर्टन रहेगी, सरकारें अनसर्टन रहेगी, साथ ही साथ जो चुनाव जीत के आ भी रहे होंगे ना, तो वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, मतलब वो बोलेंगे यार मैं यहां से चुनाव जीता हूं, मैं यहां का सोचू, देश का दूसरे लोग सोचेंगे, ठीक है। तो उस तरह से क्या हो गया, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन, ठीक है। तो अब क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आज बीजेपी पावर में है, नेशनल गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की है, तो अब क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नेशनल गवर्नमेंट है तो वो कश्मीर में भी सीट्स हैं उसकी, तमिलनाडु में भी कुछ सीट्स हैं उसकी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कुछ सीट है, राजस्थान में, गुजरात में भी कुछ सीट्स है, तो अब क्या है पूरी कंट्री में जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर है, उसके कैंडिडेट्स हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इसका एडवांटेज क्या रहेगा पता है, कि वो पूरी कंट्री के बारे में सोचेंगे, वो कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी का जब क्या देखेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पैन इंडिया रहेगा, पैन इंडिया मतलब पूरे देश में फैला रहेगा, तो पूरे देश के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन हो जहां पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो ये सारी समस्याएं आ सकती है कि कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, कोई मेजर पॉलिसी चेंज नहीं आ सकता कंट्री में, क्योंकि पूरी कंट्री में एक साथ चेंज लाओगे कैसे, आप तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो, सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, देश के लिए कोई नहीं सोच पाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक, व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज, तो हम ये लिखेंगे कि इन अ सिचुएशन वेयर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट देयर, दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर गोइंग टू फेस, एंड देयरफॉर मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। आई एस ओनली व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी, बनेगा आंसर, मुस्कुराओ एक बार, ठीक है। तो ये कहानी है। अब इसके बाद में जिस अगर आप देखोगे, इसके बाद में अगली चीज क्या है कि एट टाइम्स आपने देखा है कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शंस होते हैं, कहां होते हैं, तो दी नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू दी पंचायत, बहुत सारे स्टेट्स में मतलब पंचायत इलेक्शंस जैसे अभी हुए होने वाले हैं, तो आप अगर वहां देखोगे तो वहां पे आपको एक स्थिति समझ में आएगी क्या कि कैंडिडेट्स पंचायत में, ऐसा नहीं होता कि पंचायत इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस लड़ रही है, वहां पे नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होते हैं। लेकिन नॉन पार्टी बेस्ड होने के बावजूद भी दो चीजें रहती है, एक तो क्या होता है कि पार्टी सपोर्ट करती है, ठीक है, कि यार ये कैंडिडेट तो ये आदमी तो बीजेपी का आदमी है तो इसको बीजेपी थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है, ठीक है, चाहे वहां पे चुनाव चिन्ह फूल की पत्ती, ठीक है, बीडी का बिंडल और इस तरह के चुनाव चिन्ह होंगे, लेकिन क्या होता है, लेकिन पार्टी सपोर्ट करती है। और साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, इट इज जनरली नोटिस्ड दैट द विलेज गेट्स स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन, ठीक है, तो कोई पार्टी नहीं होती लेकिन विलेज जो है तो विलेज में गुट बन जाते हैं, अलग 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 ग्रुप्स बन जाते हैं। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है दिस इज एग्जैक्टली वॉट पार्टी डज, ठीक है, पार्टी क्या करती है, पार्टी इसी तरह से, एक तरह से आप देखोगे आप बोलोगे सर ये तो गलत चीज है ना कि पार्टी देश को फैक्शंस में ग्रुप्स में बांट देती है, नहीं, लेकिन उससे क्या होता है, उससे लोग अलाइंड होते हैं कि हाँ एक मत के लोग एक तरफ हो गए, दूसरे मत के लोग दूसरे तरफ हो गए, और अगर पार्टीज इस तरह के ग्रुप्स नहीं होते, सब अलग अलग भाग रहे होते, कोई भी कह सकते हैं कोई भी कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। तो ईच ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स ओन कैंडिडेट्स, तो जैसे पंचायत चुनाव का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, ये समझाने के लिए दिया गया, इसको यू आर नॉट नेसेसरी टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स इन एग्जाम, लेकिन ये समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है क्या कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी है। जैसे अगर आप देखेंगे कि नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस भी जो होते हैं ना, तो नॉन पार्टी बेस्ड कहने को है लेकिन उसके बावजूद भी पूरा गांव जो है पंचायत चुनाव में बट जाता है, हर बटा हुआ जो एक सेक्शन रहता है, एक फैक्शन रहता है, वो क्या करता है, अपने अपने पैनल्स प्रेजेंट करता है, ठीक है, पुट्स अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट, और यही पॉलिटिकल पार्टी भी करती है कि वो क्या करती है, अलग अलग कंसेंसस जो है उनको नैरो डाउन करके अलाइन करके ग्रुप्स बना देती है, जिससे चीजें आसान हो जाती है। अगर ग्रुप्स ना हो तो कितने करोड़ों ओपिनियंस होंगे बताओ, करोड़ों ओपिनियंस में कैसे फिर आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, समझ रहे हो मेरे बात को, फाइन। और उसके बाद में एक और जो नेसेसिटी है पॉलिटिकल पार्टी की, वो क्या है, वो है विद द राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इट इज वेरी एसेंशियल टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, मतलब आज की स्थिति में आप देखोगे, आप गए हो कभी पार्लियामेंट, नहीं मैं भी नहीं गया, ठीक है, लेकिन हम क्या है, हम पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू अब क्या कर रहे हैं कि पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस में,
मतलब हम वी आर लिविंग इन द एज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एथेंस वेथेंस में नहीं रह रहे कि लोग खुद जाते थे डिसीजन लेने। हम क्या करते हैं, हम चुनाव में अपना वोट देते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, और हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे बिहाफ पे डेमोक्रेसी में चीजों को प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री बट वी हैव रिप्रेजेंटेड आर रिप्रेजेंटेटिव। हमने किसी को चुनाव देके बोल दिया भैया तू संभाल मेरे हिस्से का पूरा पॉलिटिकल राइट जो है वो आपको संभालना है। ठीक है, थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। फिर क्या है, फिर अगर जैसे अगर आप देखोगे तो द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। ये मैं समझाता हूँ आपको। जैसे अगर आज क्या देखोगे आप, क्या सोसाइटी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बहुत बड़ी है और क्या है कॉम्प्लेक्स है, तो देयर इज नीड ऑफ एन एजेंसी विच कैन परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। तो अब जब सोसाइटी बड़ी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, तो हर इंसान सारे फंक्शंस पॉलिटिकल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता है। वहां पे जरूरत हो कि कोई एजेंसी हो। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे आप शादियों में क्या है, अब दिखावा ज्यादा हो गया, तो अब क्या है शादी में आपको टेंट भी देखना है, लाइट भी देखना है, फोटोग्राफी भी देखना है। तो पहले तो ऐसा था कि शादी करना है, लड़का लड़की चाहिए, बस शादी हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब जब इतने सारे काम बढ़ गए, इतने सारे फंक्शंस बढ़ गए, तो उसके चलते क्या होता है कि आप बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप्स आ गए हैं, एजेंसीज आ गई है। ठीक उसी तरह से कि जब डेमोक्रेसी में इतने सारे फंक्शन से लॉ बनाना, ये वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना, ठीक है, और हर इंसान जा नहीं सकता ये सारे डिसीजन लेने के लिए, तो हमें क्या चाहिए रहेगा, एक एजेंसी चाहिए रहेगी जो हमारे बिहाफ पे सारा काम कर सके। क्या काम कर सके, तो गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज एंड टू प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब सारे मुद्दों को इकट्ठा कर सके, व्यूज को, और गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कर सके। अपोजिशन में है तो क्रिटिसाइज कर सके, और रूलिंग पार्टी है तो उनपे लॉज बना सके। ठीक है, फंक्शंस में पढ़ा था, ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड। ठीक है, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कोई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कोई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कोई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन सबको एक साथ लाया जा सके, और सबको एक साथ लाके क्या किया जा सके, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जा सके। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो क्या होगी, चीजें बहुत अनसर्टेन होगी, है ना, सरकारें तो बन जाएंगी लेकिन कब गिर जाएगी किसी को भरोसा नहीं है। तो उस तरह से क्या होगा कि जब पॉलिटिकल पार्टी होगी, एक ऐसी एजेंसी होगी, तो उससे क्या होगा कि अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से हैं, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए एक साथ लाया जा सकता है। अलाइनमेंट वाली बात यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई और अपोज देम। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी होगी तो एक पूरा मैकेनिज्म चलेगा कि गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल रहा है। मान लो किसी ने क्या इलेक्शन हुआ है, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही, तो दो पार्टीज क्या है कोलिजन गवर्नमेंट बना सकती है, तो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट दे सकती है, अपोज कर सकती है, ठीक है, और पॉलिसी डिसीजंस ले सकती है, सारा काम कर सकती है। जो फंक्शंस में आपने पढ़ा उसी को क्या है शब्द घुमा के यहाँ पे समझाया गया है। बाकी आपको ये पॉइंट ध्यान रखना, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, तो आप एक सिचुएशन बताओगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो क्या स्थिति होगी, और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, सोसाइटी लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, और उस स्थिति में हमें एक एजेंसी चाहिए जो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाए, जिससे चीजें स्मूथली चल सके, और वो एजेंसी कौन होगी, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज होगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल्स दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज। ठीक है, हर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की ये जो जरूरतें होती है वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छी तरह से फुलफिल कर पाती है। एंड दिस इज द रीजन वाई वी नीड, या फिर दिस इज द रीजन वाई इट इज नेसेसरी टू हैव पॉलिटिकल पार्टीज। समझ में आया सब कुछ? ठीक है, therefore we can say that parties are necessary condition for a democracy. Conclude with this statement. ठीक है, इस statement के साथ conclude करना कि इसीलिए हम कहते हैं कि political parties are very essential, necessary condition for a democracy, for a good democracy. Political parties are required. वो बात अलग है कि उसमें challenges हैं जो last में पढ़ेंगे हम। ठीक है, बाकी ये कहानी समझ में आई आपको? So this was the whole story about political parties. I hope you enjoyed it. Next video में हम क्या पढ़ेंगे कि party system in India क्या है? ठीक है, how many parties should we have, कितनी पार्टीज होना चाहिए। अच्छा टॉपिक है, मजेदार। ठीक है, तो मल्टी पार्टी, सिंगल पार्टी और ये सारा सब कुछ हम वहां पे समझने वाले हैं। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।